अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अलिश्बा। आप सब कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के लाई हूँ बहुत मजेदार कहानी। वैसे आप मेरी कहानी को लाइक तो कर रहे हैं ना? आइए मैं आपको बताती हूँ क्या मैं आज आपको कौन सी कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है चुल्लाक लूंबड़ी। दफा का जिक्र है कि एक कौवा उड़ रहा था। उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। वो कह रहा था, अगर मुझे खाना नहीं मिला मैं तो मर जाऊंगा। अचानक जमीन पर इसे रोटी का टुकड़ा नजर आता है और कौवा तेज तेज उड़ने लगता है। फिर वो जमीन पर उतर कर रोटी का टुकड़ा अपनी चोंच में दबा कर वापस उड़ने लगता है। उड़ रहा था और बहुत खुश था कि मुझे तो खाना मिल गया, अब मैं पेट भर कर खाना खाऊंगा। वहां पर एक चलाक लूंबड़ी भी थी। उसको भी बहुत सख्त भूख लगी थी। वो कह रही थी कि मैं अब खाना कहाँ से लाऊं। लूंबड़ी सोचती थी, अचानक इसकी नजर कौवे पर आ बैठी। जब उसने देखा तो कौवे के मुंह के अंदर रोटी का टुकड़ा था। वो बोलने लगी, काश रोटी का टुकड़ा मेरे पास होता तो मेरी तो सारी भूख ही मिट जाती। वो सोचती है, अगर मैं उसे मांगूंगी वो तो मुझे नहीं देगा, मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। ने कवे की तारीफ शुरू कर दी। कवे भाई, आप तो बहुत अच्छे हैं। आपकी आवाज भी तो बहुत सुरीली है। अपनी सुरीली आवाज में गाना तो सुना दें। कवा इसकी बातों से बहुत खुश हो गया। खुशी से काय काय करने लगा। जब उसका मुंह खुला तो उसका तो रोटी का टुकड़ा गिर गया। लूंबड़ी रोटी का टुकड़ा लेकर भागी। उसको तो बाद में पता चला कि लूंबड़ी उसे पागल बनाकर चलेगी। तब क्या फायदा, जो होना था सो हो गया। नतीजा खुशबत बुरी बला। खुशी से काय काय करने लगा। जब उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा गिर गया, लूंबड़ी लेकर भाग गई। उसे बाद में पता चला कि लूंबड़ी से पागल बनाकर चलेगी। जो होना था सो हो गया। नतीजा खुशामद बुरी बला है। कहानी खत्म। बाय बाय।